रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में दोनों आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगाया गया है। लखनऊ जेल में बंद है सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में रामचरितमानस की जिन्होंने प्रतियां जलाई थी उनके ऊपर रासुका लगाई गई है। देखिए, लखनऊ में 29 जनवरी को पिजाई थाना क्षेत्र में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी। रामचरितमानस का विवाद जो है बिहार से उत्तर प्रदेश आया और इसको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी है उन्होंने इसको हवा दी। कुछ पक्तियों कुछ छपाइयों पर उन्होंने एतराज जताया था, जिसके बाद उनका लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और दूसरे साधु संत महंतों द्वारा विरोध करना शुरू हो गया। उसके समर्थन में पीजीआई थाना क्षेत्र में 29 जनवरी को कुल 10 लोगों ने जो है ये रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। तकरीबन 10 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और इसमें जो है शिकायत वो समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं और जिनको राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर भी ये शिकायत दर्ज की गई है। उनका भी नाम है और बाकायदा जो इस आरोप में जेल में बंद है सलीम और स्वतंत्र कुशवाहा, इनके ऊपर NSA लगा दिया गया है। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में 29 जनवरी को रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई थी कुल 10 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और जो स्टेशन SHO है वहाँ के पीजीआई थाना क्षेत्र के, उन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है सतनाथ सिंह लवी, उनकी शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है जिसके आधार पर प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी। मयूरी, विवेक, इस पूरे मामले में 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं अब 2 लोगों पर रासुका लगाया गया है, और क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें कुल 10 नामजद लोगों के ऊपर जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें FIR दर्ज हुआ था। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप सिंह, सुजीत यादव, नरेश सिंह, NS यादव, संतोष वर्मा, सलीम और कुछ अज्ञात लोग थे। इन लोगों पे FIR दर्ज कराया गया था। बाकी सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पे NSA लगा दिया गया है और NSA लगाना मतलब एक बड़ी धारा लगा दी गई है इन लोगों के प्रति, उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ की प्रतियों को जलाया है और समाज में जो है एक गलत संदेश इस तरीके ज़्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का समर्थन करने के लिए रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी और कई लोगों के विरोध में ये प्रतियां जलाई गई थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्राथमिकता दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी। कुल 10 लोगों पे जो है FIR हुई थी और बाकायदा जो जेल में 2 लोग बंद है सलीम और सत्येंद्र, इनके ऊपर जो है NSA लगा दिया गया है। मयूरी, विवेक, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था उसको लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह हंगामा देखने को मिल रहा है, उनका पुतला दहन किया जा रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम आपको बताते हैं, हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख का इनाम जो है उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पे बयान देने के बाद लगातार विवादों का सिलसिला जारी है, विवादित बयान का सिलसिला जारी है। उसके बाद से लगातार हमने देखा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कई पोस्टर लगाए गए, शुद्र शब्द पे लगातार राजनीति होने गई, पोस्टर वार छिड़ा, तो इस तरह की चीजें जो है लगातार बनी हुई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर ना कुछ बोलते हुए एक तरह से बैकअप सपोर्ट भी किया है और उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उनका पदोन्नति उनकी हुई है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़ी है, वही भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध कर रही है, इनका विरोध कर रही है लगातार। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। दूसरा किस पे? राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खबरी निकालेंगे पैदल यात्रा। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन होगा, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो
दोपहर 12 बजे लखनऊ में कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। बेगम हजरत महल पार्क से LIC ऑफिस तक की मार्च निकलेगा। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, क्या मुख्य वजह है इस प्रदर्शन की? विवेक आपको आवाज आ रही है हमारी? बता दें, राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा, दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन होगा। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी पैदल यात्रा निकालेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे लखनऊ में कांग्रेस का पैदल मार्च होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी पैदल यात्रा निकालेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। बता दें, दोपहर 12 बजे लखनऊ में कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा, क्या मुख्य वजह है इस प्रदर्शन का? देखिए, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जो है एक मार्च करेगी और परिवर्तन चौक से LIC दफ्तर तक यह मार्च होगा। आज दोपहर 12 बजे से यह मार्च होगा, जिसकी सबसे खास वजह यह है कि जो अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, उस पर एक प्रदर्शन है, क्योंकि SBI और LIC की भी जो हिस्सेदारी थी अडानी के शेयर में, LIC ने भी कुछ शेयर खरीदे थे, जिस पर लेकर लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, क्योंकि LIC में मध्यम वर्गीय परिवार का निवेश होता है, SBI में उनके अकाउंट्स होते हैं, वहाँ उनका निवेश होता है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों और जो बिले एवरेज परिवार है, उनके जो पैसे हैं, उनके जो रुपए हैं, उस पर जो है खतरा मंडराता देखा जा सकता है। जब से हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं और गौतम अडानी दुनिया के 15 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। लगातार जो है उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसता करा जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, कोई भी बयान नहीं दिया है, किसी भी बड़े पदाधिकारी ने केंद्र सरकार के इस पर कोई रुख अभी तक अख्तियार नहीं किया है। इसी मांग को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी आज एक मार्च करेगी, जो परिवर्तन चौक से LIC दफ्तर तक होगा, और गौतम अडानी को पर घेरने की पूरी जो है योजना कांग्रेस की पार्टी तैयार कर रही है। और अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के मार्च देखे भी जा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में दोपहर 12 बजे लखनऊ में परिवर्तन चौक से LIC तक बृजलाल खाबरी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में यह मार्च होगा। और लगातार जो है विपक्षी पार्टी मुख्यतः कांग्रेस गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है और एक जवाब तलब की मांग कर रही है। इस पर सदन की कार्यवाही भी लगातार स्थगित हुई थी, हमने देखा था मयूरी जी। तो विवेक, जो ये कांग्रेसी द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जाएगा, कितनी संख्या में कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं? देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस मार्च में शामिल होंगे, ताकि इस मार्च को एक व्यापक स्वरूप दिया जा सके। जितना व्यापक स्वरूप होगा, विरोध जितना होगा, सरकार के ऊपर उतना ज्यादा इस पर दबाव भी बढ़ेगा। कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं का कहना है कि गौतम अडानी के मुद्दे पे केंद्र सरकार का कोई भी बड़ा पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। लगातार उसके शेयर गिर रहे हैं, निवेशकों का पैसा लगातार डूब रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने गौतम अडानी को शह दिया हुआ है और कई देश के हर बड़े सेक्टर में गौतम अडानी का निवेश हो, चाहे वो बंदरगाह का सेक्टर हो, चाहे वो एयरपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे वो कोयला खनन का सेक्टर हो, चाहे वो ऊर्जा का सेक्टर हो, हर बड़े सेक्टर में गौतम अडानी का निवेश है। SBI ने उनको अच्छा खासा कर्जा भी दिया है और LIC ने भी कुछ हिस्सेदारी अडानी के शेयर से खरीदी थी, जिससे निवेशकों को पैसा डूबने के कगार पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कांग्रेस एक व्यापक आंदोलन कर रही है, एक मार्च करेगी और बड़ी से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उसके बड़े पदाधिकारी इस मार्च में शामिल होंगे। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, बड़ी खबर सामने आ रही है।
मेडिकल पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने फायरिंग की थी। पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया था बदमाश। चोरी की कार तमंचा भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मेडिकल पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने फायरिंग की थी। पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो रहा था बदमाश। चोरी की कार तमंचा भी बरामद किया गया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।